हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वाति प्रभाकर में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं धनबाद से मायापुरी। मायापुरी में कृष्ण भगवान का बहुत सारा मंदिर है और यहाँ पे नवदीप मंदिर के नाम से जाने जाते हैं यहाँ जो जगह है, तो नवदीप मंदिर चलिए हम जाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग वहाँ पे जो भी मस्ती करेंगे, चाहे वहाँ जो भी मतलब होगा, वो सब आपको दिखाते हैं। तो हमारे ब्लॉग में बने रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। हम लोग ट्रेन में आए हैं बैठने। ट्रेन 10 बजे से था, पर ट्रेन इतने लेट है कि हम लोग वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं ट्रेन आने के लिए। ट्रेन अभी करीब 3 बजे आएगी, 10 बजे थी लेकिन अब 3 बजे आएगी। तो इतना देर तक हम लोग को यहाँ पे वेट करना है, तो सोचे कि चलो वेटिंग रूम में ही वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे लोग का मस्ती हो रहा है, हम लोग बैठे हैं अपने, हम लोग ग्रुप में जा रहे हैं, तो इसीलिए मन भी लग रहा है। अगर अकेले रहते तो मन नहीं लगता, सफ़र नहीं कटता, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे कहीं जाइए तो टाइम पे पहुंच जाने तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन क्या करेंगे, अब तो ट्रेन आएगी तभी जाना है। तो फ्रेंड्स, ट्रेन पर हम बैठ तो गए और देखिए ट्रेन से उतरने के बाद बाबू का मस्ती कैसा है। हम लोग तो थक गए पर ये नहीं थका है, ये पूरा मस्ती कर रहा है। तो मस्ती चल रहा है। उस हम बैठे हैं और ये लोग अपना घूम रहे हैं स्टेशन पे। तो कैब आ गई है, अब हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ। तो होटल पहुंच के आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, हम लोग होटल में पहुंच गए हैं। तो रात में यही मतलब हम लोग को अवेलेबल हुआ, तो यहाँ खाना हम लोग पैक करके लेके चले आए हैं। अब यहीं पे रूम पे रुकेंगे और वहीं पे हम लोग सभी लोग मिलके साथ में खाना खाएंगे। तो देखिए, तो सुबह हो गया और हम लोग निकल गए होटल से। तो हम लोग नाव पे बैठने जा रहे हैं। यहाँ से इस नदी से पार करके दूसरे तरफ जाना। तो नाव से उतरते ही हम लोग जल्दी होटल लिए और वहाँ पे जल्दी से सुबह वहाँ से हम लोग कैब लेके निकल गए मंदिर की ओर। तो यहाँ मंदिर हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से घूमा, सुंदर नजर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। कृष्ण सारा जो है कृष्ण भगवान का ही मंदिर था, बहुत बड़ा बड़ा था और बहुत विशाल विशाल, बहुत सुंदर। और सबसे अच्छा यहाँ ये लगा कि यहाँ पे जहाँ भी हम लोग गए वहाँ सभी लोग कृष्ण भक्ति में लीन था और बहुत अच्छा तरीके से कीर्तन भी चल रहा था और सब कुछ झूम रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, सब कोई को झूमता देख और भी जो भी जा रहे थे सब कोई को मन कर रहा था कि वो लोग भी मतलब झूमे कृष्ण भक्ति में। तो सभी लोग झूम लिए और यहाँ तक कि बच्चे लोग भी बहुत मस्ती किए। मेरा बाबू तो बहुत ज़्यादा ही मस्ती किया और विदेशियों के साथ भी इन्होंने पूरा मस्ती किया और पूरा झूमे। वो लोग पकड़ पकड़ के उन लोगों को ले जाके पूरा झूमे हैं, क्योंकि बच्चे सबको प्यारे होते हैं, बच्चे देखते हैं वो लोग भी। Go!
तक की बच्चे लोग ही बहुत मस्ती किए। मेरा बाबू तो बहुत ज़्यादा ही मस्ती किया और विदेशियों के साथ भी इन्होंने पूरा मस्ती किया, पूरा झूमे। वो लोग पकड़ पकड़ के इन लोगों को ले जाके पूरा झूमे हैं, क्योंकि बच्चे सबको प्यारे होते हैं। बच्चे देख के वो लोग भी थोड़ा आ गए कि थोड़ा दिखाइए अपने बच्चे को, इसको भी हम लोग अपने के अपने साथ थोड़ा मतलब ले जाते हैं, थोड़ा क्यों झूमते हम लोग। तो हम लोग दे दिए कि ठीक है लीजिए, तो बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे बस एक यही है कि फ़ोटो कहीं भी लेना मना है, तो सभी जगह का अपना अपना नियम है। तो कुछ कुछ जगह हम लोग को पता नहीं चला तो फ़ोटो लेने जा रहे थे, लेकिन वहाँ के पंडित जी लोग ने रोक दिया तो हम लोग रुक गए। और उस फोन में तो मतलब मोबाइल लेके जाना ही नहीं है, तो वहाँ जमा हो जाता है। तो बाहर से जो थोड़ा बहुत मंदिर का जो है वो हम थोड़ा बहुत लिए फोटो, और थोड़ा बहुत जो देखने में कुछ कुछ फूल पौधे कुछ अच्छे से मतलब जो बाहर से लेने लायक थे वही सब हम लोग ने ले पाया। तो इसके लिए यहाँ आना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि वाकई में कितनी खूबसूरत जगह है। तो इस कौन से ही नहीं बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे शाम यहाँ पे दोपहर में हम लोग खाना खाएँ, खाने में बहुत ही अच्छा मतलब खाना यहाँ पे खिलाया गया भोग, उसके लिए तो कूपन कटता है। तो कूपन कटवा के जितने का कूपन कटवाएँ उतना ही मतलब यहाँ उस हिसाब से खाना मतलब प्रसाद देते हैं। लेकिन प्रसाद वाकई में बहुत ही टेस्टी लगा, बहुत ही अच्छा था। तो हम लोगों ने बहुत ही मस्ती किया और रात को 9 बजे हम लोग घूमते घूमते फिर हम लोग अपने होटल की तरफ चले गए। मंदिर भी बहुत अच्छा लगा देखने में। देखिए कितना खूबसूरत ये फूल लग रहा है। और ये मंदिर देखिए, मंदिर वाकई में बहुत ही खूबसूरत था यहाँ पे, और मन बहुत लग रहा था। तो फ्रेंड्स, आप लोग से यही कहना है हमें कि अगर आपको भी कभी आने का मन हो तो ज़रूर आइए और नवद्वीप मंदिर आके इसको मंदिर घूम के जाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही इंजॉय होगा। बच्चे बड़े सभी लोग के लिए यहाँ बहुत ही मतलब अच्छा व्यवस्था भी है और सभी कोई को मन भी लग जाएगा। तो हम लोग तो 2 दिन रहे हैं, पर 2 दिन में मन तो भरा नहीं, लेकिन ज़रूरी था वापस आना, तो इसीलिए हम लोग आ गए। क्योंकि यहाँ भी बाबू का स्कूल छूट रहा था, तो इसीलिए फिर कभी मन करेगा तो फिर जाएंगे। तो आप लोग को भी अगर इच्छा हो, अगर देख के अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। जय माता दी, राधे राधे, बाय बाय। लगा।
में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही मेरे वीडियो को सपोर्ट करें। अगर अच्छा लगे ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यहाँ पे जब भी मन हो तो आके जरूर घूम के जाइएगा। तो हम लोग तो अब ट्रेन पे बैठ गए, अब जा रहे हैं अपने घर। 2 दिन घूमे, 2 दिन में बहुत मज़ा आया। फिर कभी मौका मिलेगा तो हम लोग आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय कृष्ण।